Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar by Brain Root series. Here this is a book and the name of the book is Grammar, Glitter or Deceit. And this is book 1. So today we are going to start with chapter number 10 and the name of the chapter is Use of A and An. ए को कहां पे यूज करना है, एन को कहां पे यूज करना है, दिस वी विल लर्न. सो वी यूज अ बिफोर अ वर्ड, बिफोर द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट्स. तो ए कहां लगाते हैं, उन वर्ड्स के साथ लगाते हैं जो कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होते हैं, उन नेमिंग वर्ड्स के साथ लगाते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ कैट. We use an before the words that start with vowels. और an कहाँ लगाते हैं, उन words के साथ जो vowels के साथ शुरू होते हैं. हमने पढ़ा था ना vowels वाला chapter, vowels and consonant. तो हमें vowels के साथ क्या लगाना है, an. तो यहाँ पे the letters A, E, I, O, U, ये जो सारे words हैं यहाँ पे लिखे हुए, इन्हें हम कहते हैं वॉवल्स. तो इनके साथ हमें लगाना है ए एन एन. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम मोर एग्जाम्पल्स. अ कॉइन. कॉइन का फर्स्ट वर्ड क्या है, सी. सी क्या है, क्या यहाँ पे आ रहा है सी, नो वो तो एक कॉन्सोनेंट है, तो इसे हम लगाएंगे अ कॉइन. अ कार. कार का फर्स्ट वर्ड है सी, इसलिए हम लगाएंगे अ कार. अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अम्ब्रेला. अम्ब्रेला में पहला वर्ड है यू. यू एक क्या है, वॉवल. यहाँ देखिए लिखा है ना, यस. तो हम लगाएंगे एन अम्ब्रेला. सिमिलरली ऑरेंज स्टार्ट होता है ओ से और ओ है एक वॉवल, तो हम लिखेंगे एन orange. Now let's do this exercise. Exercise is use a or an before the following naming words. In naming words से पहले हमें क्या लगाना है, a, an. An कहाँ लगाते हैं, a, e, i, o, u से पहले, means vowel से पहले. इनके अलावा जितने भी बचे वो सारे कॉन्सोनेंट हैं. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट है ई. ई फॉर ईगल. ई, यस, ये तो एक वॉवल है, तो लिखते हैं एन ईगल. सेकेंड वन ए. ए फॉर एरो. सो ए इज अ वॉवल, तो हम लिखेंगे एन एरो. नेक्स्ट डी फॉर डॉक्टर. अब डी क्या वो यहाँ पे आ रहा है, नो तो हम लिखेंगे अ डॉक्टर. हाउस ह. एच. एच फॉर हाउस, तो एच तो एक कॉन्सोनेंट है, तो अ हाउस. नेक्स्ट वर्ड इज अम्ब्रेला. यू. यू इज अ वॉवल, सो लेट्स राइट एन अम्ब्रेला. अनियन ओ. ओ तो एक क्या है, वॉवल है, तो जल्दी से लिखते हैं एन अनियन. नेक्स्ट बॉल ब. बी एंड इट इज अ कॉन्सोनेंट. Peacock, P is a consonant, so let's write A, peacock. Now, fill in the blanks using A or An. तो जल्दी से देखते हैं. Dash के बाद है F, which is a consonant. तो यहाँ पे आएगा A. So he is a fat man. Again देखते हैं dash के बाद है E. तो E एक vowel है, तो हम यहाँ लगाते हैं An. तो सेंटेंस इज माय मदर इज एन एजुकेटेड टीचर. रोहित हैज डैश बिग
car, the big cupboard, which is a consonant, a big car. She brought dash orange frock. तो ऑरेंज का आ जाएगा ओ. तो ओ क्या है, एक वॉवल है. एन ऑरेंज फ्रॉक, यहाँ देखो पहनी है ना इसने, कितनी सुंदर फ्रॉक है. नेक्स्ट आई हैव डैश गार्डन, गार्डन जी. तो इसका मतलब जी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है. तो अ गार्डन, आई हैव अ गार्डन एंड इट हैज मेनी फ्लावर्स. अनिल्स फादर गेव हिम अ शर्ट, क्योंकि एस क्या है, एक कॉन्सोनेंट है. नेक्स्ट सी एक्सरसाइज, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. अ ऑरेंज एंड ऑरेंज, तो ऑरेंज का देखते हैं वर्ड क्या है, ओ. ओ तो एक वॉवल है, तो जल्दी से एन ऑरेंज को सर्कल कर देते हैं. नेक्स्ट इज अ हाउस, एन हाउस. हाउस का एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो अ हाउस को सर्कल कर देते हैं. अ ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन. ओल्ड का ओ, ये तो एक वॉवल है, तो सर्कल कर देते हैं एन ओल्ड मैन. अ टॉल बॉय, एन टॉल बॉय. तो टॉल का टी देखते हैं, यस टी तो एक कॉन्सोनेंट है, तो अ टॉल बॉय इज द करेक्ट आंसर. अ एप्पल, एन एप्पल. एप्पल का पहला वर्ड है ए. ए तो एक वॉवल है, तो जल्दी से हम एन एप्पल को सर्कल कर देते हैं. नेक्स्ट एन ईयर, अ ईयर. ईयर का ई, तो ई तो एक वॉवल है, तो एन ईयर को हम सर्कल करेंगे. आई थिंक दिस इज क्लियर चिल्ड्रेन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन. ए एन फिल करते हैं. जॉन वेंट टू डैश पेट शॉप, तो पेट का पी एक कॉन्सोनेंट है, तो अ पेट शॉप. विथ हिज फादर ही सॉ फिश, कैट, डॉग्स, रैबिट्स, पैरट्स एंड मेनी अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स. उसने ये सारे एनिमल्स देखे वहाँ पे. देयर वॉज अ येलो कैनल इन द शॉप, तो येलो का वाई जो है कॉन्सोनेंट है, तो अ येलो कैनल. देयर वर फाइव फिशेज इन एन एक्वेरियम, क्योंकि यहाँ पे ए है जो कि एक वॉवल है. ही सॉ अ कैट टू, कैट सी एक कॉन्सोनेंट है. John wanted to buy an emu chick, so E is vowel. But his father bought him a rabbit. Rabbit, R is a consonant. After leaving the shop, he asked, "May I have a lion as a pet?" क्या मैं lion को pet रख सकता हूँ? तो lion का L है consonant. और पेट का पी भी है कॉन्सोनेंट, तो हमने ए लगा दिया है. आई लव एनिमल्स वेरी मच, तो जाते जाते उसने शॉप से कहा कि क्या मैं लायन को रख सकता हूँ एज अ पेट, मुझे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं. क्या आपको भी लगते हैं एनिमल्स अच्छे? सो हमें क्या करना चाहिए, एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, भले वो हमारे पेट हो या ना हो. वी डू नॉट यूज ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन नेमिंग वर्ड. जब एक से ज़्यादा नेमिंग वर्ड्स की बात करते हैं, तो हम ना तो ए लगाते हैं और ना ही एन लगाते हैं. लेट्स लर्न सम क्राफ्ट, सो लेट्स कम टू द क्राफ्ट कॉर्नर. नेमिंग वर्ड्स थ्री, गेट इन टू ग्रुप्स ऑफ फाइव. आपको क्या करना है, फाइव बच्चों का ग्रुप बनाना है. मेक अ टॉल ट्री विथ लीव्स, एक बड़ा सा ट्री बनाना है जिसमें बहुत सारे लीव्स होंगे. Write name, naming words, name of people, name of animal, place and thing on the leaves. तो उन leaves पे आपको ये सारी चीज़ें लिखनी हैं. Create a full size tree on an art paper. एक art paper पे बड़ा सा tree बनाना है with naming words written on its leaves. Now, what all things you will require?
art paper and glue, pair of safety scissors and pencils and color pencils. So you have to make this tree with naming words. Now you have to make the tree like this as shown here. What are the steps? Take two art papers lene hai, one of them. On one of them draw the trunk and branches of the tree. तो एक पेपर पे आपको ये ट्रंक बनाना है और ये जो टहनियाँ हैं इसके जो ब्रांचेस है वो बनाना है. एंड कलर देम ब्राउन, उन्हें ब्राउन कलर से कलर कर दीजिए. ड्रॉ लीव्स ऑन द अदर पेपर, दूसरे पेपर पे लीव्स ड्रॉ करनी है. कलर द लीव्स ग्रीन, लीव्स को ग्रीन कर दें. राइट अ नेमिंग वर्ड ऑन ईच लीव, हर एक लीव पे एक नेमिंग वर्ड लिखें. यू मे राइट एनी नेमिंग वर्ड ऑफ योर चॉइस. डू नॉट रिपीट द वर्ड्स, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना है. फाइनली कट द लीव्स, लीव्स को कट करना है सीजर की हेल्प से. एंड पेस्ट देम केयरफुली ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री ऑन द अदर पेपर. तो दूसरे पेपर पे ये जो ब्रांचेज है उसमें वो लीव्स को अटैच करना है. यू कैन डेकोरेट द ट्री विथ एप्पल्स ऑफ रेड कलर पेपर ऑल्सो. हम ट्री में एप्पल्स भी लगा सकते हैं रेड कलर के और उनमें भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कार, एलिफेंट, हट, टेम्पल, राजू, बुक. सो ऑल दीज नेमिंग वर्ड्स आर रिटन हियर. तो ऐसे ही आपको ट्री बनाना है. सो चिल्ड्रन आई होप यू अंडरस्टूड कैसे आपको ये एक्टिविटी करनी है. सो डू इट एंड आई विल बी मीटिंग यू विथ अ न्यू वीडियो सून. टिल देन टेक केयर.